हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के उपमंडल जोगिंदरनगर में राजकीय वित्त आयुर्वेदिक चिकित्सालय में पंचकर्म चिकित्सा फिर से शुरू की गई है। कोरोना महामारी के चलते पिछले लगभग दो वर्षों से बंद पड़ी यह सुविधा अब लोगों को फिर से मिलने लग गई है। पंचकर्म चिकित्सा का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग उठा सके, इस दृष्टि से पंचकर्म से जुड़ी चिकित्सा की दरों को कम रखा गया है। प्रभारी आयुर्वेदिक वृत्त चिकित्सालय जोगिंदर नगर डॉक्टर गौरव शर्मा ने बताया कि वर्तमान में पंचकर्म चिकित्सा से जुड़ी कुछ क्रियाओं को प्रारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन पंचकर्म की यह सुविधा सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी। मैं डॉक्टर गौरव शर्मा, इंचार्ज सर्कल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जोगिंदर नगर। मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पंचकर्मा जो काफ़ी टाइम से बंद था कोरोना की वजह से, वो हमने चालू कर दिया है। तो इसमें हमने कुछ प्रोसीजर्स लगातार इस हॉस्पिटल में हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास नर्स 2 आए हुए हैं और इंटर्निस आए हुए हैं, तो इनके भी यहाँ पे हमने कुछ प्रोसीजर को चुना हुआ है और इसमें काफ़ी कम दरों पे हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं। और इन प्रोसीजर में जैसे कटी बस्ती हो गया, ग्रीवा बस्ती हो गया, जानू बस्ती हो गया, और लोकल स्नेह स्वेदन हो गया, नस्या हो गया, वैसे वैसे प्रोसीजर हमने रखे हुए हैं। जैसे सर इसमें जैसे सपोज करो इसमें आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन में दर्द है, तो इसमें आप ग्रीवावस्ती कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में आप जानुबस्ती कर सकते हैं। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस में आप कटिबस्ती कर सकते हैं। तो मैं आप सब से आग्रह करता हूँ कि प्लीज़ आप इस हॉस्पिटल में आएँ, यहाँ का प्रोसीजर देखें और यहाँ का इन प्रोसीजर्स का लाभ उठाएँ। उज्जवल हिमाचल के लिए जोगिंदरनगर से जतिन लटावा की रिपोर्ट। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।